हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो फ्रेंड्स आप इसको घर बैठे आप अनब्लॉक कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में एक कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पर फ्रेंड्स मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना रखे हैं, 2 या 3 महीने पहले से इस पर वीडियो बना रखे हैं कि आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अगर ब्लॉक हो जाता है तो आप इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हो। इस ट्रिक से फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लॉक जो कार्ड थे फ्रेंड्स वो अनब्लॉक भी हुए हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आए थे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको कुछ एक नई तकनीक बताने वाला हूँ, नई ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसका अगर आप यूज़ करते हो तो फ्रेंड्स आप अपने बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को आप आसानी से अनब्लॉक कर सकते हो 2022 में। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखते रहना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और फ्रेंड्स इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करने वाला हूँ, यानी आपको एक नंबर देने वाला हूँ जिन पर आप कॉन्टैक्ट करोगे और जिन पर आप फोन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा आपका कार्ड किस रीजन से ब्लॉक हुआ है और ये अनब्लॉक होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नंबर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखते रहिए। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड ब्लॉक होने के काफी ज्यादा रीजन होते हैं, इनसे आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड ब्लॉक हो जाता है। तो फ्रेंड्स पहला इसमें रीजन की बात की जाए तो आपकी अगर जो भी ईएमआई या जो भी किस्त होती है अगर वो बाउंस हो जाती है, आप टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाते हो तो फ्रेंड्स आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक में भी फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आपका कार्ड सिंपल एक सिर्फ आपकी एक ईएमआई बाउंस होने से कार्ड अगर ब्लॉक हुआ है तो फ्रेंड्स वो आसानी से अनब्लॉक हो जाएगा। पर फ्रेंड्स अगर आपकी रेगुलर 3 ईएमआई बाउंस हो गई है, 3 किस्तें आपने टाइम टू टाइम पे नहीं किया, अगर आपका कार्ड ब्लॉक होता है तो फ्रेंड्स आप कभी भी उस कार्ड को अनब्लॉक नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आपका इस तरह से भी कार्ड ब्लॉक हुआ है तो उसको भी अनब्लॉक कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अगर ईएमआई बाउंस होने की वजह से हुआ है, यानी कि आपकी किस्त बाउंस हो गई है, उससे अगर आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड ब्लॉक हुआ है तो फ्रेंड्स उसको अनब्लॉक करना सिंपल है। अगर आपकी एक ईएमआई बाउंस हुई है तो उसको आप आसानी से अनब्लॉक कर सकते हो। अनब्लॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं आपको बताऊँ, आपका जो भी ईएमआई है उसको आप वापस से पे कर दीजिए। पे करने के बाद आप 1 या 2 महीने वेट कीजिए, तो या ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप 3 महीने तक वेट कीजिए। तो आप 3 महीने अगर वेट करते हो तो आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड है वो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा। उसी में एक दूसरा रीजन होता है, अगर आपकी 3 ईएमआई बाउंस हो जाती है, यानी 3 किस्त अगर आप टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाते हो और आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो फ्रेंड्स वो आपका कार्ड कभी भी अनब्लॉक नहीं होगा, वो आपका परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। तो फिर उसको आपको अगर अनब्लॉक करना है तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काफ़ी समय तक वेट करना पड़ेगा और आपका जो सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर जो होता है उसको 750 से प्लस बनाए रखना होगा। यानी फ्रेंड्स आप जहाँ से भी आपका लोन चल रहा है, ईएमआई चल रही है, उसको आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करना है और अपना सिविल या क्रेडिट स्कोर को अच्छे से आपको बनाए रखना है। 750 से अगर आपका जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो बना रहता है 3 या 4 महीने तक रेगुलर, तो फ्रेंड्स आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड 100% अनब्लॉक हो जाएगा। और अनब्लॉक होने की आपको जो सूचना है वो फ्रेंड्स आपको एसएमएस द्वारा सेंड कर दी जाएगी बजाज फिनसर्व द्वारा। तो फ्रेंड्स सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपका कभी भी बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो फ्रेंड्स आपको वेट करना पड़ेगा टाइम, या 3 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब भी आपका ब्लॉक होता है तो उसके 1 महीने बाद से आपको 3 महीने और वेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको टोटल 3 या 4 महीने आप वेट। तो फ्रेंड्स आपको सिंपल 3 या 4 महीने वेट करना पड़ेगा तो आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा, या फ्रेंड्स आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा बना रहेगा तो आपका ऑटोमेटिकली कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन पर ये नंबर देख पा रहे हो, इस नंबर पर आपको कॉल लगाना है। कॉल लगाने के बाद सिंपल आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, 2 नंबर पर प्रेस करना है। ठीक है, जैसे इस नंबर पर आप 2 नंबर प्रेस करोगे तो आपका कार्ड किस रीजन से ब्लॉक हुआ है और ये अनब्लॉक होगा या नहीं होगा आपको कंप्लीट या सूचना दे दी जाएगी। सिंपल फ्रेंड्स अगर आपका कॉल पिकअप नहीं होता है तो आपको एक बार और कॉल ट्राई करना है और आपको ये नंबर को सेव कर लेना है ताकि आप जब भी चाहो आप अपने कार्ड का स्टेटस आसानी से चेक कर पाओ। और आपका कार्ड किस रीजन से ब्लॉक हुआ है 100% आपको पूरी सूचना इस नंबर पर आपको मिल जाएगी। सिंपल आपको कॉन्टैक्ट करना है, अपनी स्क्रीन पर आपको ये नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर फ्रेंड्स आपका तभी बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अनब्लॉक नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मैंने काफी ज्यादा अलग अलग ट्रिक बताई हुई है, उनका आप जरूर ट्राई करोगे तो फ्रेंड्स आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड जरूर अनब्लॉक हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताता हूँ, फ्रेंड्स अगर आपका नया कार्ड है और आपने नया कार्ड बनाया है और आपकी एक भी ईएमआई बाउंस नहीं हुई तो भी अगर आपका कार्ड अनब्लॉक हो गया है, यानी सॉरी फ्रेंड्स ब्लॉक हो गया है तो भी फ्रेंड्स आप उसको अनब्लॉक कर सकते हो। और फ्रेंड्स वो किस रीजन से होता है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स आपका जो सिविल स्कोर है अगर 750 से नीचे चला जाता है, भले आपने नया कार्ड बनाया हो, आपकी ईएमआई टाइम टू टाइम कर रहे हो, तो फ्रेंड्स अगर आपका सिविल स्कोर 750 से नीचे जाता है तो फ्रेंड्स आपका कार्ड 100% ब्लॉक हो जाएगा और फ्रेंड्स वो अनब्लॉक वापस नहीं होगा। अनब्लॉक करने के लिए सिंपल मैंने जो इस वीडियो में ट्रिक बताई है सिंपल आपको वही यूज करनी है। वापस से आपको 750 से ऊपर अपना सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर बनाना है तो आपका कार्ड 100% अनब्लॉक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।